सुमन टीवन में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता ने बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन घर वालों से जो धोखा मिला इस वजह से बाहर हो गई है। कहीं कहीं बुरा लग रहा है? जी सभी को मेरा नमस्ते। बिग बॉस से बाहर हो गए हैं। खराब तो मुझे भी लग रहा था कि जब हम बाहर हो रहे थे सब, बस थोड़ी दूर पे फिनाले बजता है और फिर मैं बाहर हो जाती हूँ, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी कि सपना टूट गया मेरा कि फिनाले में जाना है। मेरे गांव वाले, मेरे और भी बहुत सारे लोग जो मुझे गांव से देखते हैं, उनका यही सपना था कि शिवानी जीत के आएगी, जीत के आएगी। कहीं ना कहीं उनका भी सपना टूट गया। छोटे छोटे बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे थे हमें, तो देखा, लेकिन जनता का प्यार देखा मैंने। जनता के लिए मैं भी टूट गई थी कि ये क्या हो गया, बस फिनाले में तो जाना चाहिए था हमको। बस जब जनता का मैंने प्यार देखा, इतना सपोर्ट मिल रहा था, उस जनता का प्यार देख के मेरे लिए ट्रॉफी बहुत छोटी चीज हो गई कि चलो कुछ नहीं कर पाए तो ये प्यार तो मैंने जीता है। रणवीर सॉरी के साथ जो मस्ती थी आपकी, वो काफी वैल्यू हुई। जो जिस तरह से आप उन्हें कभी कभी तंग करते थे योगा करते हुए, जिनकी चीजों का इस्तेमाल करना, या फिर जैसे आप रो रहे थे वो आ गए और फिर पानी भी मंगवाया आपने उनसे, ये जो खट्टा मीठा रिश्ता था उस बारे में जानना चाहेंगे। उनसे उनसे मेरी बातचीत, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करते थे, तो वो कहीं ना कहीं, जब हम इतने अच्छे से बोल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अच्छे भी बनते थे और थोड़ी ये मेरी आवाज को वो एक्टिंग करते थे, तो ठीक था, अच्छा था सब। अगर 10 में से मार्क्स देना चाहे आपकी मिमिक्री को, एक्टिंग को, तो कितना देंगे रणवीर? हम 7 नंबर दे रहे हैं। ओके, अरमान जो है उन्होंने आपके साथ बहुत शुरुआत में कई बार बुरा ट्रीट किया, लेकिन फिर भी आपने जो है क्यों हमेशा उनके पास जाती रही, खासकर लास्ट क्योंकि राउंड में जब आप उनके उनके पास सपोर्ट मांगते थे? पहले से हम उनको जानते थे, वो भाई थे, भाई भाई हम बोलते थे, तो मुझे लगा कि अरमान भाई आए हैं तो ये मेरा सपोर्ट करेंगे। बाद में फिर थोड़ी ऐसी अनबन होगी, फिर हम लोगों की लड़ाई होगी दोनों लोग की, तो फिर अब एक घर में रहते हैं, जब ये बाहर की दुनिया में ये होता अगर उससे लड़ाई हो जाती तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बिग बॉस का घर एक ऐसा है, अगर तुमको लड़ाई भी करनी है और तुमको वहीं रहना भी है और तुमको वहीं खाना भी है, तो ऐसे बातचीत भी हो जाती थी। कृतिका के साथ आपका जो झगड़ा हुआ, जिस पे उन्होंने आपको इल्जाम कि आप नहा के नहीं खाना बनाते, पैर क्या तोड़े, ये वीडियोस भी बाहर आए, क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या वो ये तो एक छोटा मुद्दा है, पैर खुद, ये तो सब नेचुरल चीज है। देख, जैसे कि मेरा जुआ का मुद्दा बनाया था कि जुआ है इनको ये ऐसे, अब जुआ मेरे हाथों से थोड़ी ना, हम किसान की बेटी हैं, गांव में रहते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, मिट्टी चली जाती है, नहीं इतने साफ सफाई से सर रह पाता, तो वो जुआ अपने आप हो जाते हैं, उसमें ये सब नेचुरल चीज है, उसका भी मुद्दा बना। ये अभी अब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, अब इसका आपको बोलो कि आपको खुजवाना नहीं है, तो ये तो मैं छोटी चीज समझती हूँ, इसका तो फालतू के मुद्दे थे। आपके जानबूझ के टारगेट बनाया गया, क्योंकि आप गांव से आते हो, आप अपनी अपना डिफेंस सही तरीके से नहीं कर सकते। वही वही था ना, क्योंकि हम वहां थोड़े ढीले पड़ गए, मुझे सब बदतमीज बदतमीज बोलते थे कि ये बदतमीज है, इसको बात करने की अकल नहीं है, ये इतने चिल्ला के बात करती है, ये सब मुझे टैग दे दिए गए थे। और फिर रवि भैया जब आए थे तब उन्होंने भी यही बात की थी कि तुम चिल्ला के बात करती हो, तुम उड़ता तीर लेती हो शिवानी, ये मुझे ऐसे बोले, तो वो 50 साल के इंसान है, तुमको कैसी बात करनी चाहिए, ये तुमको आना चाहिए, तुम थोड़ा सिलो बोला करो, ये सब मुझे बोला, तो मैं थोड़ी कमजोर पड़ गई कि यार भाई देख के आए हैं, रवि भैया देख के आए, मेरे सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो अब मैं बोलूंगी नहीं, मुझे कुछ भी कोई बोले मैं नहीं बोलूंगी। बहुत कंट्रोल करती थी, जब नहीं बर्दाश्त होता था तब मैं खुल के बोलती थी वहां। तो रवि सर ने जो सलाह दी वो काम आई या नुकसान हुआ उसे? मुझे तो लगता है नुकसान हुई, क्योंकि मैं अपनी बात अच्छे से रख रही थी, अच्छे से उन बात प्रेजेंट कर रही थी, अब वो आए तो मुझे लगा कि मैं बाहर गलत दिखती होंगी, मैंने बड़े लोगों से ऐसे बात कर रही। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी, अगर छोटे लोग इज्जत कर रहे हैं बड़े लोगों की, तो बड़े लोगों का भी हक बनता है कि छोटे लोगों की इज्जत करें। जैसे मैं उनको इज्जत दे रही थी, वो मुझे इज्जत प्रेजेंट नहीं कर रहे, मुझे नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ कंटिन्यू इज्जत पे रहती थी। सना के मामले में जो है नाराज, मतलब आपकी निराशा हुई, डिसअपॉइंट हुई आप सना से, क्योंकि जिन आपने उनका हमेशा साथ दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आपको जरूरत थी, तब उन्होंने आपका साथ दिया। अब थोड़ा तो मुझे भी खराब लगा था कि सना ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने उसके मुंह पे भी बोला था कि तुम अगर साथ देती तो आज मैं घर से बाहर ना होती, तो बोल रही थी कि
हम मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रही। तो बोलती है कि उसके शब्द ये तो कुछ ये थे कि तुम मुझसे ये बोलती है, मैंने कहा तुमने साथ नहीं दिया। तो बोलती है कि तुम मुझसे ये पूछो कि तुम कहाँ तक डिजर्व करती हो। मैंने कहा बताओ तो मैं कहाँ तक डिजर्व करती हूँ। तो कहती है कि तुम यहीं तक आई हो वही बड़ी बात है। तो ये मुझे थोड़ा खराब लगा था कि इसका मतलब मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसने अगर 4 बार मेरा साथ दिया, 1 बार नहीं भी दिया तो कोई सिख ना बात। तो जनता का जो प्यार मिला है अब तक, मतलब बहुत ज्यादा, और तो उन्हें क्या मैसेज देना है? जनता का प्यार, वही जनता के प्यार के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ कि इतना प्यार, इतना प्यार। जब अंदर से मुझे बदतमीज बोल रहे हैं, छोटा अखबार बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसको तमीज नहीं है बात करने की, ये सब देखते हुए, और जनता मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रही है बात, ये देखा मैंने, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि अगर आप ना होते तो मैं तो, आप अगर सपोर्ट ना करते मैं तो बिल्कुल टूट भी गई थी और टूट भी जाती अगर बाहर देखती कि जनता मुझे पसंद नहीं कर रही। थैंक यू सो मच, बात करके बहुत बहुत शुक्रिया।